अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, आज का दिन शुरू करते हैं हमारे बैक गार्डन के साथ। इसके लिए लोन वोन लेनी है। आज हमने वही डिसाइड किया है कि नाश्ता वगैरह करके वहीं जाना है सबसे पहले। तो आज मैं नाश्ता अपने लिए बना रही हूँ, फुल देसी नाश्ता मैं बना रही थी अपने लिए। मैंने रोटी बना ली थोड़ी सी बटर लगा के, उसे साथ में बनाऊँगी अंडे की भुर्जी। तो अभी आप देखिएगा आगे चल के मेरे साथ थोड़ी सी ट्रेजेडी होगी। मेरा फ़ोन एकदम रिकॉर्ड करते करते स्टैंड से गिर जाता है, तो फिर अंडे की रेसिपी थोड़ी सी रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो उसके लिए पहले से ही माजरत करती हूँ। तो मैं अपनी रियल लाइफ शो कर रही हूँ, तो मैं आपको सोचा कि आपको आगे चल के ये भी दिखा दूँ कि इस तरह की ट्रेजेडीज़ भी होती हैं और बड़ा मुश्किल होता है ना वीडियो को रिकॉर्ड करना, खाना खाते हुए भी, बनाते हुए भी, स्पेशली जब आपके साथ एक छोटा सा बच्चा हो। क्योंकि रिदा मेरी टांगों में खड़ी थी और ममा कर रही थी मुसलसल। बस जल्दी जल्दी मैंने प्याज काटा थोड़ा सा, और अंडा मुर्जी बनानी थी तो बारीक थोड़ा सा प्याज काट लिया, हरी मिर्च काट लें। अंडा भुर्जी बनाना कौन सा मुश्किल काम है, ये तो सबको ही आता है। मेरे पास टमाटर साबुत नहीं थे, तो मैंने थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट यूज़ किया था, तो क्योंकि मुझे टमाटर अंडे में अच्छे लगते हैं। बाकी आपकी जैसी मर्जी है, आप डाल सकते हैं। बस ये देखें, अभी मैं इसमें प्याज डालूंगी और थोड़ा रुक रुक के काम करें, क्योंकि पीछे से रिदा मेरी बेटी मुझे बहुत आवाज़ें दे रही थी। तो आपको पता है यही मॉम लाइफ है, साथ साथ काम भी करना है, साथ साथ अपने बच्चे को भी बहलाना है। क्योंकि मैं उसको कार्टून लगा के देखे आई, फिर जाके वो बैठी है और ये मेरा फ़ोन गिर गया। तब तक मेरा अंडा भी साथ साथ पक गया था, मैंने मुश्किलों से सेट हुआ। अब आधी वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई जब मैंने चेक किया, तो उसके लिए बहुत बहुत माजरत। और अंडा भुर्जी में क्या है, आप मसाले डाले, लाल मिर्चें, काली मिर्चें और टमाटर मैंने थोड़े से डाले, तो ये इस तरह अंडा भुर्जी तैयार होगी। और इधर मैंने बैठ के खाना नाश्ता किया, फिर बस निकले हम। B&Q जा रहे हैं आज, वहाँ पे आज हम देखेंगे कि हमें हमारी गार्डन की मशीन मिलती है कि नहीं। मौसम बहुत ही खूबसूरत था, गर्मी थी काफ़ी। तो B&Q इस जगह पे बना हुआ है सोलीहल में, जहाँ पे ना काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट बड़े बड़े शॉप्स हैं। समझे वन स्टॉप कहलाते हैं, जहाँ पे सारे बड़े बड़े स्टोर हैं, घर का हर तरह का सामान मिल जाता है वहाँ पे, फर्नीचर, बेडिंग, सोफ़े, एवरीथिंग। और घर से रिलेटेड, घर को सजाने से रिलेटेड B&Q में बहुत खूबसूरत सामान है। तो अभी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि मैंने भी आज क्या क्या डिस्कवर किया। B&Q पे अगर वीडियो बनाओ तो पूरा दिन यहाँ पे लग सकता है, पूरी एक वीडियो इस पर बन सकती है। काफ़ी सेक्शन है, काफ़ी बड़ा है ये। तो ये पहला जब एंटर होते हैं तो ये गार्डन फेक प्लांट्स का सेक्शन है। तो बस हम काफ़ी बड़ा, मैं आपको बता रही हूँ काफ़ी बड़ा है। तो पहले हमने सोचा कि हम पहले अपने काम की चीज़ देख लें, फिर जो हो ना उसके साथ थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँ। तो ये शुरू में पेंट और ये घर डेकोरेट करने का स्टाफ, आगे सेक्शन बने हुए हैं लाइट्स और गार्डन, किचन, हर तरह का सामान यहाँ पे मौजूद होता है। इवन किचन यूनिट्स, आपने जिस तरह किचन अपना डिज़ाइन करवाना है यहाँ पे बेहतरीन है। और मेरा इंटरेस्ट तो बस वहीं फंस गया था। ये देखें आप, इतने ब्यूटीफुल किचन के मॉडल्स इन्होंने बना के इधर रखे हुए हैं कि आप जैसे पसंद करें और वैसा ही किचन आपको इंस्टॉल करके देते हैं। तो मैं तो सारा टाइम बस किचन ही एक्सप्लोर करती रही कि कहीं कोई सेल लगी है, कोई बेहतरीन डील है तो हम भी ट्राई करें। इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर किचन बनवाया तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और ये देखें, ये बाथरूम के डिज़ाइंस हैं। बस हमें अब मिल गए आके लॉन मोर्स। यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी, तो डिसाइड करने में थोड़ा सा टाइम लगा हमें। हमने इलेक्ट्रिक वाली ली है, हमारे पास पहले पेट्रोल वाली थी पर वो ख़राब हो जाती है हर साल, तो दिस टाइम हमने सोचा कि हम चेंज ही कर लें। ये इसके सामने गार्डन का स्टफ़ है सारा, तो ये गार्डन में बैठने के लिए पोल्स और डिफरेंट थिंग्स, और ये भी बहुत ही प्यारी चीज़ें लगी हुई थी। सिटिंग अरेंजमेंट्स बहुत ही खूबसूरत सामान था, पूरा सेटअप इसी तरह मिलता है और आपको इसी तरह वो देते हैं आके, आपके फिक्स भी कर देते हैं।
पी एन क्यू में काफ़ी वैरायटी है, हर चीज़ आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के और एक चीज़ डिफरेंट तरह से मिल जाती है, प्राइस रेंज में भी फ़र्क होता है हर तरह से, और वो डिटेल में आपको सब लिखा होता है, सब गाइड भी कर देते हैं अगर आप उनको पूछें। तो ये देखें इतने प्यारे बारबेक्यू सेट्स थे, गार्डन में आप सेटिंग करें तो बहुत ही मज़ा आए। आगे फिर रिदा भाग रही थी तो मैं बस उसके पीछे पीछे इधर से उधर जा रही थी और थोड़ा थोड़ा रिकॉर्डिंग कर रही थी। ये यहाँ पे टॉयलेट्स का सेक्शन है, यहाँ पे आप चूज़ करें। फिर मैं वापस किचन की साइड पर आई थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए कि और क्या इन्होंने लगाया हुआ है। ये सामने किचन की डिफरेंट चीज़ें, आप नलके पसंद करें, जिस तरह की भी चीज़ें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। तो बस नियत तो की है कि इंशाल्लाह अगर जब भी बनाया तो यहीं से चूज़ करेंगे। तो ये आगे आप देख रहे हैं, ये हम जब वापस जा रहे थे तो हमने देखा कि फायर प्लेसेस के बड़े खूबसूरत डिज़ाइन थे, ये नकली आग इनमें लगी हुई है, बहुत ही खूबसूरत देखने में और डिज़ाइनिंग में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मैं समझी कि ये रियल है, मैंने करीब जा कर देखा तो ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। जी ये हमने ले ली है लोन मोर फाइनली, अब हमारे ग्रास की जो है ना थोड़ी कटाई होगी, बस फिर यहाँ से निकले अपने घर आना था, घर आके कुकिंग करनी थी। आज मैं बना रही हूँ लैम्ब चॉप्स और इसके साथ साइड डिशेस बनाऊँगी, आप देखें बहुत ही टेस्टी होते, ट्राई कीजिएगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। ये मैंने ले लिए हैं लैम्ब की चॉप्स शेप्स में, इनको आप मसाला लगा के फ्रीज़ भी कर सकते हैं जब निकालने हो बना लें आराम से। तो मैं इसमें सबसे पहले पेरी पेरी रब लगा रही हूँ, पेरी पेरी मसाला ही मिल जाता है, और नमक, और अगर आपके पास नहीं है मसाले तो आप वही मसाले डालें जो आप तंदूरी मसाला, ये मेरे पास तंदूरी मसाला था ये भी मैंने ऐड कर लिया, जो आपके घर में बेसिक मसाले होते हैं जो आप चिकन को मैरिनेट करने में या गोश्त को मैरिनेट करने के लिए लगाते हैं। गोश्त लैम्ब के अंदर खुशबू ख़त्म करने के लिए थोड़े स्ट्रॉन्ग मसाले डालने चाहिए। फिर मैंने इसमें लीमू का रस डाला और अपने हिसाब से ना मैंने लाल मिर्चें देखी फिर नहीं डाली, तो अब इसके ऊपर मैं डालूँ लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ी सी योगर्ट यानी दही। योगर्ट से ना ये गलने में बड़ी आसानी होती है, जल्दी से जो है ना चॉप्स गल जाती हैं। तो मेरे पास टाइम थोड़ा था तो मैंने मैरिनेट करके ना इनको कुकर में गला लिया था, ये मैरिनेशन हो गई है, थोड़ी देर के लिए आप रख दें, ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो साइड डिश के लिए मैं बना रही हूँ थोड़ी सी वेजिटेबल्स, तो ये हमारी फ्रोज़न वेजिटेबल्स मिलती हैं, इसके साथ मैं इसमें ब्रोकली डालूँगी, मिक्स वेजिटेबल हैं, इसमें कैरेट, स्वीट कॉर्न, बीन्स और पीज हैं थोड़े से, इसमें ब्रोकली भी डाल के मैं इसको बॉयल कर लूँगी, आप चाहें तो स्टीम कर लें, हमारे घर में बॉयल वाली ज़्यादा पसंद करते हैं। पहले इनको मैं थोड़ा सा बॉईल कर लूँगी ताकि सारी नरम हो जाए, उसके बाद मैं इसको तड़का लगाऊंगी एक देसी स्टाइल का। ये देखिए जी लैम्ब चॉप्स भी हमारी जो है ना रेडी हो गई हैं कुकर के अंदर मसाले के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त। थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको गला लें तो बड़ी जल्दी गल जाती हैं, अदरवाइज़ आप उसमें भी बना सकते हैं, ओवन में भी बना सकते हैं। ये देखें जी जब बॉयल हो गई तो इसके साथ मैंने उसमें बटर ऐड किया, थोड़ी सी मिक्स हर्ब ऐड की और थोड़ी सी काली मिर्च और नमक। अब मेरे फ़ोन को पता नहीं क्या हो रहा था, आधी वीडियो उसने रिकॉर्ड की आधी नहीं की, तो सॉरी आज के लिए बहुत सारे ब्लंडर्स हैं, माफ़ कीजिएगा। ये देखें जी इस तरह आप जब इसके अंदर बटर डालते हैं ना ये बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर हो जाता है, और काफ़ी सारा बटर डालें। ये मैंने फिर फ्राइज़ भी बना लिए थे, ये हमारा एयर फ्रायर है, इसमें दो तरह के वो फ्राइज़ बना लिए थे, एक कर्ली फ्राइज़ और एक सिंपल फ्राइज़। ये है जी गार्लिक ब्रेड या बगेट कह लें इसको, ये भी फ्रोजन मिल जाती है, इसको आप डिफ्रॉस्ट करके आराम से काटें, इस तरह स्लाइसिस करें, इसको भी आप ओवन में बना सकते हैं, पर आज मैंने ओवन ऑन ही नहीं किया तो मैं सारा कुछ ना स्टोव पे कर रही हूँ। तो आप इसको पैन के अंदर दोनों तरफ करें, आराम से क्रिस्पी सी हो जाएंगी, बहुत ही नाइस बन जाएंगी। ब्रेड खाने से ये है कि लैम्ब चॉप के साथ आपका पेट भी भर जाता है, तो साइड डिशेस काफ़ी सारी बना लें ना तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। अब मैं इन चॉप्स को थोड़ा सा पानी इनका खुशा करने के लिए, जो पानी उसमें बचा है ना मसाला, वो पैन में डाल के इनको थोड़ा सा अच्छे से सौटे कर लूँगी बस। तो फिर इस तरह तैयार हो जाएंगी, आप उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएंगी।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और ट्राई करके ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा।